यूपी में 8 दिसंबर को आए उपचुनावों के नतीजों ने सूबे के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह उलट दिया है। साथ ही नतीजों ने सत्ता पक्ष को 2024 की अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने को मजबूर कर दिया है। इन चुनावों में जहां एक तरफ बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की दाल गल गई। दरअसल बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की उपचुनाव में गैर मौजूदगी का सीधा फायदा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को हुआ। वह सपा रालोद गठबंधन के सियासी साथी बनकर दलितों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुए। चंद्रशेखर की अपनों के घर में दस्तक देने की रणनीति दलितों को पसंद आई। यही रणनीति उपचुनाव में दलितों को गठबंधन के साथ खड़ा कर बीजेपी से खतौली विधानसभा सीट छीनने में मददगार साबित हुई। इतना ही नहीं, मायावती को पहली पसंद मानने वाले दलितों ने खतौली में चंद्रशेखर को अपनी पहली पसंद बनाया। इससे बीएसपी खासा परेशान है। वहीं दलितों के मिले बड़े साथ से उत्साहित चंद्रशेखर का कहना है कि खतौली शुरुआत है, आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन कई जगह ताकत दिखाएगा और बीजेपी को रोकने में कामयाब साबित होगा। चंद्रशेखर का कहना है कि नफरत फैलाकर और समाज को बांटकर राज करने के दिन अब लद गए हैं। वह कहते हैं, आम जनता ऐसे दलों की चाल को समझ चुकी है। यूपी और यूपी के बाहर जल्द सियासत में बदलाव दिखेगा। उनका कहना है कि बीजेपी को सत्ता से दूर किया जाना वक्त की जरूरत है। वहीं सियासत के जानकारों का मानना है कि उपचुनाव के परिणामों से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर का राजनीतिक कद बढ़ा है। दलितों में उनकी स्वीकारता में इजाफा हुआ है। उपचुनाव से दलित समाज में पैठ बढ़ी है। अब यह रफ्तार अगर निकाय चुनावों में भी जारी रही तो चंद्रशेखर सियासी दलों खासकर बीएसपी और बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। सियासी जानकारों की माने तो चंद्रशेखर के मजबूत होने से बीएसपी से जुड़ा दलित बटेगा और बीजेपी की तरफ दलितों ने जो रुख किया है वह रुकेगा। इसका फायदा सपा रालोद गठबंधन को होगा। वहीं आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि पार्टी भी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। निकाय चुनाव में मजबूत प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे। संघर्षशील ईमानदार कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। बता दें, वेस्ट यूपी को दलित का मजबूत किला माना जाता है। खुद मायावती सहारनपुर की हरोड़ा सीट से दो बार विधायक बनकर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं। बिजनौर बुलंदशहर से मायावती सांसद का चुनाव लड़ी। गौतम बुद्ध नगर मायावती की जन्मस्थली है। हापुड़ में ननिहाल है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, अमरोहा, मुरादाबाद, बागपत, गाजियाबाद आदि वेस्ट यूपी के ज्यादातर जिलों में दलितों की खासी तादाद है। इन सब के चलते कहना गलत नहीं होगा कि 2024 करण बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है।